गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे मॉरल इज, अंडर एडवर्स कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन, सम ब्रेक रिकॉर्ड्स। इट मीन्स विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। मतलब यह है कि जब बहुत ही एडवर्स कंडीशन आती है, बहुत ही बेकार कंडीशन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, टूट जाते हैं कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा। और कुछ लोग उसी चीज़ को फेस करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि इसी कंडीशन में हमको कुछ करके दिखाना है, तो वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मतलब कुछ करके दिखाते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ऐसा बनना है कि आपको हर कंडीशन में ने आपको एकदम पावरफुल रखना है कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी कंडीशंस की वजह से आपको रुकना नहीं है। ओके, सो लेट स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, ये चैप्टर हाफ चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था, तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बिट्स और बाइट्स। बिट्स क्या होता है, ऑल द इंफॉर्मेशन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंप्यूटर गेट स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड एज नंबर। कंप्यूटर यूज ओनली 2 डिजिट, 0 एंड 1। अ बिट शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। बिट क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, कंप्यूटर की। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो केवल ओनली 2 डिजिट से क्या होता है, यूज़ करता है, प्रोसेस करता है उसी से। और बिट क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होती है जो कि कंप्यूटर में पाई जाती है। अब बिट है सिंगल बाइनरी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, सिंगल बाइनरी वैल्यू होती है, जैसे 0 और 1। क्या होती है, 0 और 1, ठीक। ऑल द कंप्यूटर यूजली प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन डेट कैन टच एंड मैनिपुलेट बिट्स, दे जनरली आर डिज़ाइन टू स्टोर डाटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन बिट मल्टीपल कॉड बिट्स। अब जैसे बिट्स का मल्टीपल कर ले तो उसको क्या बोलते हैं, बाइट्स। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी डाटा को। कंप्यूटर यूजली प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन डैट कैन टेस्ट एंड मैनिपुलेट बिट्स, कोई भी इंस्ट्रक्शन जनरली आर डिज़ाइंड इन बिट मल्टीपल डिज़ाइन टू स्टोर डाटा और एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, मतलब स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए और किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल बिट्स का यूज़ किया जाता है। जब मल्टीपल बिट्स हो जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट्स। बिट्स क्या होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है ऑफ डाटा की, जो 0 और 1 होती है उसी का मल्टीपल बिट्स कर दें जो कि यूज़ होती है डिज़ाइन करने में, स्टोर डाटा, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, उसको क्या बोलते हैं, बाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 1 बिट्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 0 और 1, 8 बिट 1 बाइट, 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं। ऐसे 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 पूरा बढ़ता चला जाता है जैसे आप देख रहे हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन 1 किलोबाइट, 1 KB, 1 MB, 1 MB, 1 GB, 1 GB, 1 TB, 1 TB, ओके, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या था, सिलिकॉन चिप्स। सिलिकॉन चिप्स क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैरिंग बिट एंड स्टोर ऑन चिप्स। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो क्या करती है, बिट्स को कैरी करती है और जो स्टोर ऑन चिप्स, जो कि स्टोर्ड होती है कहाँ पे, चिप्स में। दिस चिप्स आर टिनी पीस ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन। ये चिप्स क्या होती हैं, टिनी पीस ऑफ मटेरियल होता है, बहुत ही छोटे छोटे, उसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते हैं। ईच चिप्स इज कवर्ड विथ लैक ऑफ सर्किट। ईच चिप्स किससे कवर होती है, लैक ऑफ सर्किट से, वही होती हैं अपनी, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB, और या फिर डॉटर बोर्ड।
दिख रहा है ना, ये होता है। नेक्स्ट, और कहाँ स्टोर होता है डाटा एंड इंस्ट्रक्शन डेट आर इंटर इन टू अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइस आर स्टोर इन इट सम स्टोरेज मीडिया। जो भी हम डाटा और इंस्ट्रक्शन इंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो कहाँ जाके इनपुट होता है, डिवाइस में इनपुट तो होता है, वो स्टोर कहाँ होता है, कुछ स्टोरेज मीडिया में, जिस मीडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मेमोरी, हम लोग फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगाते हैं ना, कुछ तो मेमोरी फ़ोन में स्टोर हो जाते हैं, कुछ का मेमोरी कार्ड में स्टोर होते हैं। जैसे उसके बारे में पढ़ते हैं और ब्रीफली, हम लोग कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का होता है जो रैम और रोम होता है, ठीक। सेकेंडरी के अंदर क्या देते हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, ये सब एक्सटर्नल वाले एक तरह से, ये इंटरनल होता है। प्राइमरी मेमोरी का होता है प्राइमरी स्टोरेज और मेन स्टोरेज। देखो मेन स्टोरेज जो और मेमोरी होता है वही क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी। ये क्या होता है, दिस इज़ द एरिया ऑफ कंप्यूटर विच डाटा स्टोर क्विक एक्सेस बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर, जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर में स्टोर होता है, वो होता है प्राइमरी। इसके अंदर में हम लोगों ने रैम के बारे में पढ़ा और रोम के बारे में पढ़ा। रैम क्या होता है, जो स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को ओनली व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑन, जब कंप्यूटर ऑन रहता है बस तब के लिए, और उसको आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं उस डाटा को, बट ये टेम्परेरी डाटा होता है। व्हेन एवर पावर फेल, अगर पावर फेल तो डाटा लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था आपने, रोम। रोम क्या होता है, जो रीड ऑनली मेमोरी होता है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रीड ऑनली मेमोरी। ये क्या होता है, यूजुअली प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन के लिए नीड होता है, जो कि रन करता है, हाउ टू वर्क, कैसे वर्क करें, इट हेल्प डाटा परमानेंटली। ये क्या होता है, ये कीप करता है, मतलब परमानेंटली होता है, वो टेम्परेरी होता है बट ये परमानेंटली होता है। अगर पावर ऑफ भी होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर होता है मेमोरी, स्विच ऑफ भी होता है, तब भी डाटा क्या होता है, लॉस्ट नहीं होता, और ये वोलेटाइल होता है क्योंकि ऑल द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन स्टोर्ड इन इट इज़ लॉस्ट, दैट इज़ वाई इज़ ऑल्सो, क्योंकि इसमें परमानेंटली नहीं रहता है, इसीलिए वो वोलेटाइल होता है। ये नॉन वोलेटाइल होता है क्योंकि इसमें परमानेंटली होता है। अब थ्री काइंड्स ऑफ रोम के मैंने हम लोग पढ़े थे, रोम थ्री काइंड्स के रोम कौन से होते हैं, पी रोम। पी रोम क्या होता है, देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये क्या है, एक अनदर टाइप है जैसे प्राइमरी मेमोरी का, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको बोलते हैं। ये क्या है, यू नो डैट इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई और इरेज प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम ना, यू नो डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई और इरेज प्रोग्राम स्टोर, नहीं हो सकता है, आपको पता है, बट इज़ पॉसिबल फॉर यू स्टोर योर प्रोग्राम इन पी रोम चिप्स। अगर आप इसमें पी रोम चिप्स कर सकते हैं तो ये पॉसिबल है। वंस द प्रोग्राम आर रिटन इट कैन नॉट बी चेंज, अगर आप इसको चेंज नहीं करते इंटैक्ट, इवन इफ पावर स्विच ऑफ, अगर स्विच ऑफ हो जाता है द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन रिटन इन पी रोम और रोम कैन नॉट बी इरेज, तो ये इरेज नहीं होगा अगर आपने उस सेटिंग को चेंज नहीं किया है। और दूसरा क्या होता है, ई पी रोम। ई पी रोम क्या होता है, इरेजेबल, यानी कि इरेज हो जाएगा, प्रोग्राम एंड रीड ऑनली मेमोरी विच ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पी रोम एंड ई पी रोम आर प्रोग्राम एंड रीड ऑनली डिवाइस प्रोग्रामेबल रोम दैट कैन बी इरेज एंड रीयूज, इरेज भी होता है और रीयूज भी हो सकता है। इरेजर इज कॉज शाइनिंग एंड इंटेंस अल्ट्रा वायलेट लाइट थ्रू अ विंडो दैट डिजाइन इन टू अ मेमोरी चिप व्हेन द ईपीरोम इज इंफॉर्मेशन कैन बी रीड, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी, ये थर्ड टाइप है। ईईपी रोम जो इलेक्ट्रिकली होता है, सिमिलर टू द ईपी रोम, एकदम सिमिलर बट ये इलेक्ट्रिकली है, ठीक है। बीम फॉर इरेज द डाटा ऑफ रोम। सेकेंडरी, आपको न्यू टॉपिक कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, समटाइम यू हैव टू स्टोर सो मच इंफॉर्मेशन बट इट कैन नॉट बी सेव, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो हम लोग सेव नहीं कर पाते प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। सो इस केस में आपको सेव डाटा आउटसाइड द कंप्यूटर, तो आपको आउटसाइड द कंप्यूटर सेव करना पड़ेगा आज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। पहले आप प्राइमरी का यूज़ करते हो, जब वो फुलफिल हो जाते हो तो आप सेकेंडरी का यूज़ करते हो। ओके, सेकेंडरी क्या होती है, जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। इन सच सिचुएशन वी नीड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, तो हमें ज़रूरत पड़ती है
इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में लाइक सीडीज़ हो गई, डीवीडीज़ हो गई, पेन ड्राइव्स हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे फर्स्ट क्या है आपका सीडी, सीडी क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस हैविंग डाटा स्टोर कैपेसिटी 670 to 700 MB। ये पोर्टेबल है, इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो आप। और ये कितना डाटा स्टोर कर सकती है, 650 to 700 MB तक। इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज म्यूजिक हो गया, फुल मोशन वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, एक्सेट्रा। जो भी आप यूज़ करना चाहो उसको आप स्टोर कर सकते हो। कंटेन डिजिटल इंफॉर्मेशन डैट कैन बी रीड, जो कि आप रीड डिजिटल इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हो, जो कि आप रीड कर सकते हो, बट कैन नॉट बी री रिटन। अगर इसमें आप दोबारा से नहीं ले सकते। सेपरेट डिवाइस एग्जिस्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग सीडीज, सिंस इट इज़ वेरी रिलायबल स्टोरेज मीडिया, इट इज़ वेरी ऑफन यूज एज अ मीडियम ऑफ डिस्टर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ यूजर। तो ये लार्ज अमाउंट में यूज़ होता है। आप लोगों ने सीडीज का देखा भी होगा, मूवीज सॉन्ग सुने भी होंगे। इनफैक्ट टुडे मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब थ्रू डिस्क, तो मोस्ट ऑफ द इससे डिस्टर्ब भी होते हैं, जैसे कि रिलायबल स्टोरेज डिवाइस है बट ऑफन यूज एज मीडियम ऑफ डिस्टर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत से डिस्टर्बिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है, बहुत से लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज नंबर में आप पा भी सकते हैं, क्योंकि इजली रिलायबल है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डीवीडी। डीवीडी क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये क्या होता है, इट इज़ द फ्लैट राउंड डिस्क, इट इज़ सिमिलर टू अ सीडी। क्या है, फ्लैट राउंड डिस्क है, जो कि एक तरह से सीडी की तरह ही है, बट ये लार्ज स्टोर, इसकी लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एनॉर्मस क्लैरिटी होती है इसमें। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क टाइप इट कैन स्टोर सेवरल गीगाबाइट ये स्टोर कर सकती है। जैसे मैंने शुरुआत में पढ़ाया था MB, GB, TB। DVDs आर प्राइमली यूज टू स्टोर म्यूजिक एंड मूवी। DVDs का यूज़ क्यों करते हैं, प्राइमली यूज करने के लिए, बट इट कैन बी प्लेड बैक ऑन योर टेलीविज़न और द कंप्यूटर टू। इट इज़ नॉट रीराइटेबल मीडिया डिवाइस। इसको आप फिर से अपने टेलीविज़न में यूज़ कर सकते हैं, बट ये रीराइटेबल नहीं है मीडिया डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्या है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज। ये और अनदर फॉर्म है ऑक्सिलरी स्टोरेज का। इट इज़ फिक्स इन साइड द कैबिनेट ऑफ अ CPU बॉक्स। ये कहाँ फिक्स रहता है, CPU बॉक्स के कैबिनेट में। अ हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिग्रिड मेटल प्लेट। हार्ड डिस्क एक से ज़्यादा रिजिड मटेरियल प्लेट्स रखती हैं। सिंगल हार्ड डिस्क यूजली कंसिस्ट सेवरल प्लेटर रखती हैं। ईच प्लेटर रिक्वायर टू रीड राइट हेड, वन फॉर ईच साइड। ओके, ऑल द रीड राइट हेड आर अटैच टू अ सिंगल एक्सिस आर्म सो दैट दे कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंट। तो इसी की वजह से एक इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते। ईच प्लेटर हैज़ द सेम नंबर ऑफ ट्रैक। ईच प्लेटर, हर प्लेटर में सेम नंबर ऑफ ट्रैक होते हैं, एंड अ ट्रैक लोकेशन डेट कट अक्रॉस ऑल प्लेटर कॉल्ड सिलेंडर। तो जब क्या होता है, जो ट्रैक होती है लोकेशन, जब उसको कट करती है अक्रॉस ऑल प्लेटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर। द नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर रेंज फ्रॉम 10 GB to 120 GB। जो नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की, वो कितनी होती है, 10 GB से लेकर 120 GB तक। ड्यू टू लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से इट इज़ प्रेफर्ड टू स्टोर ऑल
इम्पॉर्टेंट डेटा इनटू द हार्ड डिस्क। ये प्रिफर करता है कि आप सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट डेटा, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डाटा हैं आप हार्ड डिस्क में स्टोर कर ले। हार्ड डाटा स्टोर्ड इन इट कैन बी रिट्राइव वेरी फास्ट। तो जो डाटा आप लोग स्टोर करेंगे वो रिट्राइव बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, आप लोगों ने सीडी के बारे में पढ़ा, डीवीडी के बारे में पढ़ा, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा, अब पेन ड्राइव के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ पेन, एक लाइक अ पेन लाइक डिवाइस होती है ये, जैसे पेन के अंदर कैप होती है वैसे देखिए, बहुत ही स्मॉल होती है, एक्सट्रीमली पोर्टेबल, आप कहीं भी इसको ईजिली ले जा सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ हार्ड डिस्क और अ सीडी, ये डिफरेंट होती है हार्ड डिस्क और सीडी से। इट इज़ अटैच आउटसाइड द कंप्यूटर, क्योंकि आप इसको आउटसाइड द कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं एट अ प्लेस कॉल्ड यूसीबी पोर्ट। इट कैन बी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यूज़ कर सकती है, जैसे 2 GB से लेकर 256 GB तक। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनिएंट डिवाइस टू कैरी डाटा, बहुत ही कन्वीनिएंट डिवाइस होती है डाटा को कैरीज करने के लिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने के लिए। अ पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, पता भी होगा कि पेन ड्राइव को USB ड्राइव भी बोला जाता है और फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है, मतलब ईजिली पोर्टेबल है। जो सेकेंडरी डिवाइस होती हैं वो अधिकतर ईजिली पोर्टेबल होती हैं, आप इसलिए उनको कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे वो सीडी की बात हो, डीवीडी की बात हो, हार्ड डिस्क की बात हो या पेन ड्राइव। पेन ड्राइव बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि आप इसको ईजिली कहीं भी ले जा सकते हो, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही होती है, 2 GB से लेकर 250 GB तक, हार्ड डिस्क की उससे थोड़ी कम होती है, 10 GB टू 120 GB तक, ओके, उससे कम MB में आ जाती हैं। DVD, CD, अगर 650 से 700 MB तक, तो उससे थोड़ा ज़्यादा DVD में होता है, बट उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप लोग के बाद ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर आर यूज ओनली 2 digit, आपको पता है 2 digit का यूज़ करती है कंप्यूटर, 0 and 1, उसको क्या बोलते हैं, बिट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैरिंग बिट्स आर स्टोर्ड ऑन चिप, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो बिट्स कैरी करती है, जो कि स्टोर होती है कहाँ पे, चिप्स पे, चिप्स, देखा ना। द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन डाटा एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइस आर स्टोर्ड इन इट इज सम स्टोरेज मीडियम, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग इंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में थ्रू इनपुट डिवाइस, वो स्टोर कहाँ होती है, सम स्टोरेज मीडियम में, जैसे प्राइमरी हो गई, जैसे सेकेंडरी हो गई, जिस तरह से जिसका यूज़ हम लोगों ने किया। प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज मेन स्टोरेज डिवाइस, जो प्राइमरी स्टोरेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। रैम इज ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, क्यों, क्योंकि इसमें डाटा इरेज हो सकते हैं अगर स्विच ऑफ हो जाती है, ओके। रोम क्या होता है, रोम यूजली स्टोर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड टू रन सम प्रोग्राम, रोम के यूजली स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो कि नीड होती है रन करने के लिए कोई भी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम है और इंस्ट्रक्शन रिटन इन EPROM और ROM कैन नॉट बी रेस्ट टू चेंज, जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जो कि रिटन होते हैं EPROM में, उसको आप क्या और ROM में वो इरेज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। EPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसका आपको फुल फॉर्म पता भी है, पूछा भी जा सकता है। EEPROM इलेक्ट्रॉनिक बीम, इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बीम के लिए, जो कि इरेज कर सकती है डाटा ऑफ रोम। CD इज पोर्टेबल डिस्क having data storage capacity between 650 to 700 MB, पता है पोर्टेबल डिवाइस है क्योंकि इसलिए कहीं ले जा सकते हो, और स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कितनी है, 650 to 700 MB। DVDs क्या है, प्राइमली यूज टू स्टोर म्यूजिक और मूवी, DVDs का यूज़ क्यों करते हैं, प्राइमली यूज़ करते हैं
म्यूज़िक और मूवी को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, अ हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिजिड मेटल प्लेट, बताया था एक से ज़्यादा रिजिड मेटल प्लेट ये रखती हैं। नेक्स्ट है द डाटा स्टोर इन हार्ड डिस्क कैन बी रिट्राइव वेरी फास्ट, जो डाटा स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में वो बहुत जल्दी रिट्राइव हो सकती है, वेरी फास्ट। ओके, पेन ड्राइव कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा 2 GB टू ऑलमोस्ट 256 GB। पेन ड्राइव क्या करती है, डाटा स्टोर करती है लार्ज अमाउंट में 2 GB से लेकर 256 GB तक। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये फिनिश होता है MP43, और इसका PDF बना के मैं दे दूँगी, इसको आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।